This question is from June 2011 and paper 1-2, question number 5. This question is of vector. C, these are vectors, C, D vectors हैं. C vector जो है वो 3-2 है. ये कॉलम में गिवन है वेक्टर 3-2 कॉलम मैट्रिक्स में, और डी वेक्टर जो है वो 8-6. कैलकुलेट 2c-d. तो सी वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट करना है डी वेक्टर को. तो ये देखें, ये हो गया 2 × c. सी वेक्टर लिख लेंगे यहाँ 3-2 − d. डी वेक्टर है 8-6. अच्छा, ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा दोनों कंपोनेंट्स के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी. 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होएगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये बन जाएगा 6. 2 3 से हुआ 6, और 2 जो है 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा. 6 − 4 − 8 − 6. दिस विल बिकम 6 − 8 − 6 − 8 − 4 − −6. 4 − − प्लस हो जाएगा, 4 + 6 = 6. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 6 − 8 जो है वो −2 आ जाएगा. 4 + 6 ये 10 आ जाएगा. −2 = 10 इज द आंसर. ये आंसर हमने यहाँ पे आंसर स्पेस में लिखना है, −2 = 10. इसके बाद ये बी पार्ट है, कैलकुलेट डी मैग्नीट्यूड ऑफ डी. डी मैग्नीट्यूड मीन लेंथ ऑफ वेक्टर डी. इसको कैसे फाइंड करना है, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू लाइंस शोज मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ दिस वेक्टर. तो ये डी मैग्नीट्यूड होगा, डी के कंपोनेंट्स हैं 8 − 6. 8 का भी स्केयर लेना है हमने और −6 का भी स्केयर लेना, ऐड करके स्केयर रूट ले लें. 8² + −6² √. दिस बिकम 64 + 36 √. 64 + 36 ये हुआ 100. 100 का स्केयर रूट जो है वो 10 आ जाएगा. तो यहाँ आंसर 10 होगा. सो दीज आर द आंसर्स.